हुई है। मंगलवार उसके प्रेमी ने उसे जिंदा जला दिया था और इसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में प्राथमिक इलाज के बाद पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था, लेकिन पीड़िता ने हाजीपुर में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से मृत पीड़िता के गांव में मातम का माहौल है। गांव के लोगों ने आरोपी को मौत की सजा दिलाने की मांग की है। हमारा इस्लाम धर्म तो ही कहता है कि अगर उसको जलाकर अगर वो मार दिया है तो उसको है जो मौत की सजा मिलना चाहिए, तो उसको मौत की सजा मिलना चाहिए। हमारे सहाबा जो थे वैसा है जो जब कांड जब होता था तो वो है जो इंसाफ करते थे। सरकारी में रहनी सर तो वही मतलब दवा हमने कुछ बाहर से भी लिया बनी सर, वहाँ से भी रेफर भाई तो हमने के पटना लेके जात रही सर, रास्ता में मतलब डेथ हो गई हाजीपुर के बीच में। आ हमने के ना मन ख्याल को जो कि आई गई तब आई लड़का का आई लड़का से बात करो कि कॉलेज शादी कर हमारे काहे ना शादी कर दिया तरह कहते ना शादी करे।